हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आ गई हूँ आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं लेके आई हूँ बिना बिरयानी मसाले के बनाते हैं वेज बिरयानी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गिलास के करीब चावल लिया है जिसको अच्छे से धुल के हम साइड में रख लेंगे। पूरा एक गिलास नहीं लिया था क्योंकि दो लोगों के लिए बना रहे थे। फिर इधर कुकर में तेल गरम किया और तेल गरम करने के बाद दो प्याज को बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था, उससे हम बना लेंगे फ्राइड अनियन। तो धीमी आंच पे उसको ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे तो थोड़ी देर बाद उसका ये कलर आ जाएगा। तो फ्राइड अनियन को निकाल के साइड में रख लेंगे। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, जावित्री, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, एक चक्रफूल, दालचीनी का टुकड़ा, सौंफ और जीरा। सौंफ और जो चक्रफूल है, इन दोनों का यूज़ करने से ना जो वेज बिरयानी उसका फ्लेवर बिल्कुल बिरयानी वाला आ जाता है। तो बस यहाँ पे उसको थोड़ा सा मसालों को क्रैकल कर लिया, फिर एक छोटी प्याज को कट किया था उसको डाल दिया और फिर हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के कच्चापन जाने तक इसको पका लिया। फिर यहाँ पे हम कौन कौन सी सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो एक आलू है और एक मुट्ठी के करीब बीन्स है और एक छोटी गाजर। तो यहाँ पे आलू, बीन्स और गाजर को हम ऐड कर देंगे, टमाटर को हम नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आलू ऐड कर दिया, बीन्स ऐड कर दिया और गाजर ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर तक हम पका लेंगे ताकि जो सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और जो प्याज है वो भी फ्राई हो जाए। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं वो बिल्कुल देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ किचन किंग मसाला। अगर किचन किंग मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और फिर इन मसालों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो जब मसाले पक जाएंगे तब फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे ही थोड़ी देर तक चला चला के मिक्स करके यहाँ पे मैंने मसालों को भून लिया। तेल अगर ठीक ठाक क्वांटिटी में डालेंगे तो मसाले नहीं जलेंगे। दो चम्मच दही लिया था, बिल्कुल अच्छे से फेंट लिया था, उसको ऐड कर देंगे। और इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। तो दही ऐड कर दिया, एक टमाटर था वो ऐड कर दिया, एक मुट्ठी धनिया का पत्ता, पुदीने का पत्ता और थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाल के इन सब को अच्छे से तुरंत मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया था। उसके बाद इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे, वरना जो दही है वो थोड़ी फटी फटी सी हो जाएगी, इसलिए आप अगर लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो नहीं फटेगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया। फिर यहाँ पे आधा ग्लास पानी, मैंने यहाँ पे पूरा एक गिलास चावल नहीं लिया है, तो यहाँ पे मैं जो टोटल वेज बिरयानी में पानी यूज़ करूँगी वो पूरा एक गिलास पानी यूज़ करूँगी। तो आधा गिलास पानी मैंने अभी सब्जियों में ऐड कर दिया। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया नमक और फिर उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता, पुदीने का पत्ता और एक हरी मिर्च डाल दिया। फिर जो चावल को अच्छे से धुल के साइड में रखे थे उसको बिल्कुल अच्छे से हम फैला देंगे। उसके बाद इसको फैलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन को ऐड करने के बाद जो धनिया का पत्ता, पुदीने का पत्ता जो भी बचा हुआ है करीब करीब आधा एक मुट्ठी के करीब, वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, नहीं तो मत डालिएगा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाला है, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे। उसके बाद जो आधा गिलास पानी जो बचा हुआ था उसको डाल के कुकर का ढक्कन लगा के 2 सीटी आने का वेट करेंगे। 1 सीटी आ गई, ऐसे एक और सीटी आ जाएगी। तो बस गैस को बंद कर दिया था, कुकर जब ठंडा हो गया तो बस उसका प्रेशर खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारी टेम्पटिंग सी बिरयानी रेडी है। ये बनाना बहुत इजी है और पता है ये वीडियो बनाते बनाते मेरा फिर से मन कर गया था और मैंने फिर से इस बिरयानी को बनाया और उसका रिजल्ट सेम ऐसा ही आया। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।